Hello, my name is Ankit Khandelwal. I live in Jaipur, but my college is in Bhopal. It is National Institute of Technology. I am the student of a computer science. क्या हुआ कि मेरा first sem complete हो चुका था और मेरी पूरी दिसंबर की holidays आई थी. So I think मैंने सोचा कि मैं क्यों ना C और C++ दोनों ही ख़त्म कर लूँ so that I feel better in the next sem. So, इसके लिए मैंने डिकाजो इंस्टीट्यूट पहुंचा. तो क्या हुआ, मैं डिकाजो इंस्टीट्यूट पहुंचा और मुझे यहाँ पर सर ने बताया कि सी यू सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज एक मंथ में इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क. बट मैंने सर को समझाया कि सर मेरी वन मंथ की हॉलीडेज हैं सो आई कैन डू इट इन जस्ट वन मंथ. सर ने कहा तो आपको, तो सर ने बताया कि दोनों की मेहनत लगेगी, कि तुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी और साथ में मुझे भी. तो मैंने कहा सर इट्स ओके, यू आई कैन गिव ऑल माई टाइम टू दिस इंस्टीट्यूट. तो सर ने बताया कि ठीक है, मैं इसको एक महीने में कंप्लीट कर लूँगा. तो सर ने, मैंने कहा ओके सर. तो फिर हमारा कोर्स का चालू हुआ. कोर्स के दौरान बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह रही कि हमारे दोनों लैंग्वेजेस सी और सी प्लस प्लस आराम से एक महीने में ओवर हो गई और मुझे इस बात का पता भी नहीं चला कि हमारी दोनों लैंग्वेज ख़त्म हो गई. मेजर बात ये रही कि मैंने दोनों लैंग्वेजेस ख़त्म की, ऊपर से फिर उनकी प्रैक्टिकल और तो उनकी प्रैक्टिकल जो प्रोग्राम थे वो बनाए और कैसे कैसे उनमें आप कैसे कैसे आप सोच सकते हो अलग अलग टाइप से एक ही प्रोग्राम को बनाने में, वो सर ने बताया मुझे और डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज़ के प्रोग्राम बताए. और सो सम बहुत, मतलब कुछ बहुत कुछ बताया. बट द बेस्ट थिंग इज़ वी जस्ट कम्प्लीटेड इट इन वन मंथ, बोथ सी एंड सी प्लस प्लस. सो आई थिंक द डिकाजो इंस्टीट्यूट इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न सी सी प्लस प्लस, बिकॉज इट गिव यू एवरी टाइप ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर नॉलेज, जस्ट लाइक द प्रैक्टिकल नॉलेज, द थ्योरी वाइज. एंड इट ऑल्सो, मतलब सर सब बताते हैं कि आपको कैसे कैसे प्रोग्राम के अंदर जाना है, कैसे कैसे प्रोग्राम के बारे में सोचना है. सो आई थिंक द डिकाजो इंस्टीट्यूट इज़ अ ग्रेट इंस्टीट्यूट एंड यू शुड जॉइन दिस इंस्टीट्यूट फॉर सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज. थैंक यू.